मेष। गणेश जी बताते हैं कि आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए अनुकूल दिन है। शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करेंगे। वृषभ, आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा। वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायता करेंगे। शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। मिथुन, दुविधा में उलझा हुआ आपका मन महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेगा। वैचारिक तूफानों से मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। अत्यधिक भावनाशीलता आपकी दृढ़ता को कमजोर करेगी। पानी तथा अन्य तरल पदार्थों से सावधान रहें। शारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ घर में भी आनंद का वातावरण रहेगा। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी। दोस्तों से लाभ होगा। शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए आज का दिन गणेश जी अनुकूल बताते हैं। सिंह, पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख शांति से दिन व्यतीत होगा। उनका सहयोग मिलेगा। स्त्री मित्रों से विशेष मदद प्राप्त कर सकेंगे। दूरस्थ मित्र और स्नेहीजनों के साथ संपर्क या संदेश व्यवहार लाभदायक साबित होंगे। कन्या, गणेश जी कहते हैं कि आज के लाभदायक दिन से आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी। वाक्पटुता और मीठी वाणी से आप लाभप्रद सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित कर सकेंगे। उत्तम भोजन, भेंट उपहारों और वस्त्रों की प्राप्ति होगी। तुला, आज के दिन जरा सा भी असंयमित और अनैतिक व्यवहार आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। दुर्घटना से बचें। वाणी की शीतलता उग्र तकरार कराएगी, ऐसी संभावना है। सगे संबंधियों के साथ अनबन होगा। वृश्चिक, नौकरी धंधे या व्यवसाय में लाभ प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ मुलाकात, प्रवास का आयोजन करेंगे। विवाहोत्सव युवक युवतियों के विवाह के लिए सुनहरे अवसर आएंगे। पुत्र तथा पत्नी से लाभ होगा। धनु, आज का दिन शुभ फल प्रदान करने वाला है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ऊपरी अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। मकर, आज का दिन आपके लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता से मिश्रित फलदायी रहेगा। बौद्धिक कार्य और व्यवसायिक क्षेत्र में आप नए विचारों से प्रभावित होंगे और उन्हें अपनाएंगे। नैतिक कृत्यों से दूर रहने की गणेश जी सलाह देते हैं। वाणी पर संयम रखें, इससे पारिवारिक घर्षण को आप टाल सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। मीन, दैनिक कार्यों में से छूटकर आज बाहर घूमने फिरने और मनोरंजन प्रवृत्तियों के लिए समय निकालेंगे। परिवारजन और मित्रों को भी इस प्रवृत्तियों में समावेश करेंगे, जो कि उनके लिए आनंदप्रद रहेगी।